मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। जो मुझसे कहते हैं कि मेरे बाप का नाम पता है क्या? हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुंडल मुकेश इस चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार वीडियो या दोस्तों व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो आप अपने फोन से बना सकेंगे और फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सेम इस तरह का वीडियो आपको भी बनाना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किए हैं और फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने के बाद आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक या व्हाट्सअप या कोई सभी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जा सके और फ्रेंड्स आसानी से इस तरह का वीडियो बनाना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स हमसे कुछ भी पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए और वहां से कुछ भी मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और हमने एडिटिंग का चैनल ओपन किया है, उस चैनल का लिंक दे दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल पर जाइएगा और फ्रेंड्स उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ 9/16 का जो रेशियो है इसी रेशियो को आपको लेना है, यानी दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी फोटो लगाना है उस फोटो को आप अपनी गैलरी से ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से कुछ फोटो लेता हूँ आपको बताने के लिए, देख सकते हैं आपको जितना फोटो लेना है आप ले सकते हैं अपने अनुसार से। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद शुरू में आ जाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, फ्रेंड्स इस फोटो पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ आपको क्लिक करना होगा, ये वाला जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से दोनों उंगलियों से इस फोटो को कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से बराबर पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा और फ्रेंड्स सभी फोटो को कुछ इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको फुल स्क्रीन में कर लेना है। देख सकते फ्रेंड्स बहुत आसान है फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाना, देख सकते फ्रेंड्स। उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है, देख सकते फ्रेंड्स बहुत आसानी से इस तरह का वीडियो बनाना आप सीख जाएंगे। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद शुरू में आ जाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लस का जो आइकन आपको मिलेगा यहाँ पे इसी आइकन पर आपको क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से और फ्रेंड्स यहाँ से इस सभी ऑप्शन को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ गेट मोर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देख लीजिएगा और फ्रेंड्स आसानी से इस तरह का या दोस्तों ट्रांजिशन इफेक्ट डाउनलोड करना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें स्टेप बाय स्टेप करके हम ऐड कर लेता हूँ, आपको जो भी इच्छा करे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए, उसके बाद शुरू में आ जाना होगा। फिर इसी फोटो पर क्लिक कीजिएगा और इस फोटो को कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना होगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप अपने अनुसार से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जितना भी फोटो आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं आप अपने अनुसार से। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर दे, उससे शुरू में आ जाएगा और फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार एनिमेशन बनकर तैयार हो गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको आपको सेव कर लेना होगा, सेव करने के लिए दोस्तों शेयर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम पहले से सेव करके रखे हुए हैं इसीलिए यहाँ कैंसिल कर दिया, आपको सेव करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना होगा, उसके बाद यहाँ फिर से प्लस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से 1/1 का जो रेशियो है इस रेशियो आपको चूज कर लेना होगा, उसके बाद यहां से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से कोई सा भी कलर एक बैकग्राउंड ले लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा और इसका डेसन कुछ इतना आपको लेना है, उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके शुरू में आ जाना होगा। फिर जाना होगा लेयर में, फिर मीडियम में आइएगा और फ्रेंड्स यहाँ से इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को आपको ऐड कर लेना होगा कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं, और सिंपली इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा और इसका कुछ इस प्रकार से आगे आइएगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन वाला में आइएगा, फ्रेंड्स ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे क्रोमा की का, देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फ्रेंड्स इसको सिंपली यहाँ से इनेबल कर दीजिएगा, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेना है आपका की कलर या दोस्तों ग्रीन रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले से सिलेक्ट है, उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, उसका शुरू में आ जाना होगा। फिर जाना होगा लेयर में कुछ इस प्रकार से, उसके बाद मीडियम में आइएगा और फ्रेंड्स जो अभी वीडियो सेव किए हैं उस वीडियो को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से, और इसको आगे लाइएगा कुछ इस प्रकार से इतना, और इसको रोटेट कर लीजिएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसको थोड़ा सा और इतना हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ सेम आपको यहाँ पे बराबर कर लेना है, उसके बाद हम थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से सेंड टू बैक का जो ऑप्शन दिया हुआ इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा, उसका शुरू में आ जाना होगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स लेयर में आइएगा, उसमें मीडिया में आइएगा और फ्रेंड्स यहाँ से इस टेम्पलेट को आपको ऐड कर लेना होगा, देख सकते फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का है, और सिंपली इसको आगे इतना लाइएगा, देख सकते फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, और इसको रोटेट कर लीजिएगा, देख सकते फ्रेंड्स
इस प्रकार से आपको भी रोटेट कर लेना है देख सकते फ्रेंड्स, और इसको जूम कर लेना है थोड़ा सा और इसको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन वाला में आइए फ्रेंड्स, ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे बिडिंग का, इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली यहाँ से स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और इसका साउंड यहाँ से बंद कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, उसका शुरू में आ जाना होगा। फिर जाने वाला लेयर में, फिर मीडिया में आइएगा और फ्रेंड्स एक और यहाँ से टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को आपको ऐड कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से और सिंपली यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा देख सकते फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ फिर से आइएगा फ्रेंड्स, यहाँ ब्लेंडिंग में इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली यहाँ से स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स इसका भी यहाँ से साउंड को बंद कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा, उसको शुरू में आ जाना होगा। फिर जाना होगा आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपको बताता हूँ, लेयर में उसके बाद ओवरले में आइएगा कुछ इस प्रकार से और फ्रेंड्स यहाँ से इस ओवरले को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स स्पॉट लाइट्स का ऑप्शन दिया हुआ, ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करने के लिए जैसे गेट मोड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम पहले से डाउनलोड करके रखे हुए, तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से और फ्रेंड्स आपको जो भी इसमें लाइट अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमको ये वाला अच्छा लग रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से ड्यूरेशन को फुल कर दीजिएगा दोनों साइड में। उसके बाद आपको यहाँ बीच में आ जाना है, उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना है देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड कर लेना है जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे लगा देना है देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ थीडर पर क्लिक कीजिएगा और इसी का एक और यहाँ से डुप्लीकेट ले लीजिएगा कुछ इस प्रकार से और एक को इस साइड में आपको लगा देना है देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लगा देना है, ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है, उसके बाद शुरू में आ जाना है, फिर जाना है लेयर में, फिर ओवरले में आ जाना है और फ्रेंड्स यहाँ से फिर से इस ऑप्शन को आपको भी डाउनलोड कर लेना होगा, माई स्टेडियस फॉग का ऑप्शन दिया हुआ ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स हम पहले से डाउनलोड करके रखे हुए, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे लास्ट वाला जो इफेक्ट है इसी पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे और इसको जस्ट यहाँ नीचे ऐड कर लेंगे देख सकते फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ से ड्यूरेशन को फुल कर देना है दोनों साइड में देख सकते फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा और फ्रेंड्स देख सकते सबसे पहले जो वीडियो लगा है इस वीडियो पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से और यहाँ लास्ट में आइएगा और यहाँ ऊपर आइएगा फ्रेंड्स बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कैंची पर आइएगा और यहाँ से ट्रिम टू राइट पर क्लिक कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा, उसका शुरू में आ जाना होगा और फ्रेंड्स देख सकते फाइनली हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया। आपको बताते हैं फ्रेंड्स वीडियो को प्ले कर देख सकते फ्रेंड्स कितना अच्छा लगा। तो सेम इसी तरह से आपको भी बना लेना है और फ्रेंड्स जो भी इसे मटेरियल यूज किए हैं इन सब चीज़ों का लिंक दे दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो को सेव कर लेना होगा, सेव करने के लिए जैसे शेयर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रजिस्ट्रेशन को फुल HD कर लीजिएगा आप अपने अनुसार से और इस लाइन को फुल रखिएगा और यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा और फ्रेंड्स वहाँ से आप कहीं भी शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।